एश वहां पे लकीली सर्वाइव करे एंड 1 HP एस्केप करके आ गए. उनके पास अच्छा खासा बूस्टर्स है बट फर्स्ट एड एक ही है. देखते हैं इस वाले मैच में कैसे वाली फाइट अप्रोच करें. बट आईकी माफिया का स्क्वाड करेंटली दे आर होल्डिंग स्काउट वहां पे अपने लिए कवर बना रहे फ्रॉम दैट स्मोक बॉल्स. अब ऊपर माइटी है एक ग्रेनेड वहां पे पुल करे और मेरे ख्याल से एक नॉक देखने को मिल सकता है. यस बहुत बेहतरीन ग्रेनेड है वहां पे एंड माइटी विल गेट नॉक डाउन. स्काउट टुक दैट फर्स्ट नॉक ओवर देयर एंड अब पुश देखते हुए नजर आएगा. अब यहाँ पे साथ में यहाँ पे कवर फायर चाहिए एक सपोर्ट चाहिए सारे प्लेयर्स को एंड ऊपर माइटी को फिनिश करा. वन बाय वन दे विल टेक दोस प्लेयर डाउन. फ्नैटिक रौनक ने वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज लिया था. ही विल हील हिमसेल्फ बट एक स्मोक बॉल बनाया पेन ने बिकॉज वहां पे अगर अकेले उस चेक पे होल्ड कर रहे हैं बट उन्होंने एक आइडिया भी दे दिया फ्नैटिक के प्लेयर्स को कि एक प्लेयर अभी वहां पे है एंड देयर यू कैन सी दैट प्री फायर कमिंग बाय फ्नैटिक एश. अब फॉल बैक कर चुके हैं उस वाली पोजीशन से. लाइक डू यू नो कि इंडिया में एक दिवाली का त्यौहार होता है तो एक फू बम आता है. आप बम फेंकने से पहले फूक मारते फेंकते वैसे ही लगा था यहाँ पे. स्काउट ने बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कुक किया और जो फटा है वहां पर बिल्कुल मौका नहीं मिला. मुझे एक टाइम पे लगा था कि रिबाउंड या रिकोशे होके थोड़ा फर्क पड़ेगा बट नहीं वो एक अच्छा प्रिसाइज नेट था वहां पे उनको किल भी मिली और इंस्टेंटली चारों के चारों फिर भूखे की तरह गए और स्काउट ओपी ने यहाँ पे पेन को भी नॉकआउट कर दिया है. अब धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जा रही है एंड यूटिलिटी का जो बेहतरीन न्यूज है मतलब नॉकआउट किया वहां पे मोलोटॉव भी फेंक दिया. अब मोलोटॉव भले कनेक्ट ना हुआ हो बट वो कुछ जोन के अंदर काफी फर्क पड़ सकता है. यहाँ पर जो बैरियर लगाने की कोशिश की ज़ेरेफ ने ट्राई तो काफी अच्छा किया बट ज़ेरेफ को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जस्ट पीछे प्रॉब्लम होगी वहीं पर सोलवे नंबर पे एलिमिनेट होती हुई यहाँ पर आईकी माफिया. बट वहीं पे यूमुंबा के किकी ओपी ने यहाँ पर मोगैम्बो को नॉकआउट कर दिया अपनी M416 से और वो गेम में आगे बढ़ेंगे. व्हाट अ कंप्लीट फाइन अप्रोच ऑफ फिनेटिक ओवर टीम आईएम. आईएम को ध्यान देना था कि किससे भिड़ रहे हैं और जिस तरीके से अप्रोच किया फिनेटिक ने आज एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा. जब स्कूल में ओवेस नॉकआउट हुए थे रोटेट करते टाइम वो गाड़ियों का निकालने का तरीके से मुझे ऐसा लगा था कि आज स्पार्क है आज ना पूरी तैयारी से बैठे हैं आज कुछ करके दिखाएंगे ये. बट वहाँ पे उसी टाइम पे वो स्काउट के जो अर्ली नॉकडाउन देखने को मिले वो मेरे ख्याल से एक मोरल बूस्टर थे बिकॉज कभी भी फनाटिक अर्ली स्टेज में फाइट लेती हुई नहीं नजर आई है. जब ये हम पहली बात करें सेमीफाइनल्स के दो दिन की बिकॉज दिस इज द लास्ट डे जब वहाँ पे कुछ चार मैच बचे थे स्काउट हमें वापस आए तीसरा मैच है वो एक एग्रेशन देखने को तो मिलता है वो प्लेयर से हमेशा जब भी वापस आते हैं. वो एक एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल प्लेयर से लेके आते हैं अपने स्काउट एंड वो एक लर्निंग जो उनको मिली है दूसरे इंडोनेशियन प्लेयर से हम बात करें थाई प्लेयर से तो वो सीखने की जो भूख है उस प्लेयर में बहुत ज्यादा. बट वहाँ पे उसी टाइम यहाँ पे बीच में नॉकडाउन होते हुए किन्जू ने वहाँ पे एक अर्ली नॉक दिया बट वहाँ पे किन्जू विल गेट नॉक डाउन प्रोन डाउन हो गए थे. पहला शॉट ही वहाँ पे हेड कनेक्ट हुआ डिस्ट्रोक एंड की ओपी वहाँ पे किल कन्फर्म करेगा. पीछे से यहाँ पे रश आता हुआ फुल पावर का दो प्लेयर बचे हुए यहाँ पे तो धूम धूम का उतरते ही डैमेज लिया. He will get finished over there, but वहाँ पे पोदो को पीछे से मारा. जियो मुंबा को easily 4 kill दे बैठे full power का squad. So अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे. Full power has been eliminated. पहली दो टीम यहाँ पे eliminated हुए IK Mafia and दूसरी टीम full power. But गेम गेमिंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है. गाड़ी पलट की वहीं पे स्काउट अभी स्प्रे करने करने की कोशिश कर रहे हैं. गाड़ी के एचपी काफी ज्यादा कम है. ये गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए बिकॉज ये टीम पूरी जा सकती है यहाँ पर. वहीं पे ओबेस ने आईपी मैन एनडीएस एवरीवन इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट. वहां पर थोड़ा फायदा 720 ने भी उठाया 420 ने भी उठाया. स्काउट ने आईपी मैन का किल कंफर्म किया. वहीं पे डकी भी मर गए हैं जिग्सॉ से. बट वहां पे कैरी ओपी जोन का डैमेज ले तो रहे हैं बट ही इज इनसाइड द जोन राइट नाउ. स्ट्राइकर के पास हो जाएंगे बट गिव अप करा उन्होंने मैंटी ओपी को. एग्जैक्टली वो ऑप्शन नहीं बचा था बट यहीं पे ईवो ने चलती गाड़ी से यहाँ पे कैरी ओपी को नॉकआउट किया और उनका भी गेम यहाँ पे काफी ज्यादा हद में मुझे लगता है कि खत्म हो गया होगा. बट अब यहाँ पे जो स्ट्राइकर है उनको अकेला इस गेम में आगे बढ़ना पड़ेगा. हाई चांसेस अगर वो जोन के अंदर नॉकआउट हुए तो मे बी शायद जाके बचा पाए बट मुझे लगता नहीं है बिकॉज जो जोन है वो उनके बिल्कुल एच पे जाके वो जोन के एच पे खड़े हुए. फनाटिक ऑलरेडी 6 पॉइंट हो चुके हैं. वहीं पर पान सिंह को काफी किल मिली. ओवेस बोलते हैं यहाँ पर ईवो को उन्होंने नॉकआउट किया और काफी शानदार स्प्रे करने करने की कोशिश. दीक्षा ने यहाँ पर वीएचजी कॉलर्स के अभी को उनका गेम बिल्कुल खराब करने की पूरी कोशिश कर ली है तो वीएचजी कॉलर्स के लिए काफी मुश्किल है. वहीं पर रौनक का बड़ा ही प्यारा नेड आता है. ईवो का किल कन्फर्म हुआ. दीक्षा ने यहाँ पे अभी का किल कन्फर्म किया. वहीं पे ओवेस की मोलोटॉव ने सीजी को गेम निपटा. सारी टीम्स यहाँ पे ट्राई करेंगी मैक्सिमम किल्स निकाले. वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है 7 Cs के द्वारा भी बट वहाँ पे थोड़ा सा एक एग्रेशन देखने को मिल सकता था 7 Cs के द्वारा बिकॉज वो लोग को अगर टेबल टॉप करें तो यही छोटे मोटे कुछ क्षण है जहाँ पे वो कैपिटलाइज कर सकते हैं फाइनल सर्कल में. एक्जैक्टली वो छोटे मोटे क्षण के अंदर ऐसा रहता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है. अगर आप करके दिखाते हैं फायदा होगा बट यहाँ पे सीधा उन्होंने स्काउट के अंदर चार्जिंग कर लिया है.
ये आसान बात नहीं होगी, बिकॉज एक छोटे से घर के अंदर दो कमरे में, एक कमरे में प्लेयर है, वहाँ पे ओविस नॉकआउट हो चुके हैं, सोनिक को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया रौनक ने, और रौनक ने वहाँ पे रूल को भी नॉकआउट कर दिया। तो ये रिवेंज क्लैन के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट नाइटमेयर हो सकता है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर से लास्ट पे आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मुझे लगता है कि फनेटिक एलिमिनेट होती है 7वें अंक पर, और उनको टोटल किल पॉइंट्स मिलेंगे 9 और टोटल पॉइंट्स होंगे उनके 14, बट वहीं पे फायदा उठाएंगे 7 सीड। वो बिल्कुल कह रहे ना खिचड़ी बनाई कि चौने खा कौन रहा है, यहाँ पे फनेटिक ने डैमेज दिया, अकेला प्लेयर बचा है यहाँ पे, व्यू रेड बचा है, और आखिरी में उसको भी मारा और रिवेंज भी एलिमिनेट होती है 7 सीज। ओ माय गॉड, व्हाट अ गेम। तो टीपीपी लेने की काफी जगह है यहाँ पर, अगर पानसिंह की टीम को रोटेट करना पड़ा देन मुश्किल हो पाएगा, उनको ध्यान से गेम में आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं पे 420 की एचपी कम है, अपने आप को हील अप करने की कोशिश करेंगे, बट 420 ने पहला यहाँ पे नॉक दे दिया, वहां पे 420 खुद भी नॉक हो चुके क्लाउनी से, और बट ये एक अच्छी पोजिशन है, यहाँ पर फायदा उठा सकती है मार्कोस गेमिंग के इस वक्त पुशन करे, बट क्लाउनी ने एक अच्छा एंगल होल्ड कर रखा है। यहाँ पर अगर पानसिंह एक प्यारा सा कुक नेट फेंक दें देन मुश्किल बढ़ सकती है। न्यू बाइटी को रिवाइव मिल चुका है, 420 को भी यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, बट ये ब्लू जोन की मार हो गई है चालू, वहीं पे प्ले जोन का शिकार बनना चालू हो रहे हैं, बट 7 सीज ने जो करना था वो ऑलरेडी करके दिखा दिया। अकेले प्लेयर बचे हैं यहाँ पर, 7 सीज क्या कर पाएगी, पानसिंह फायदा उठा रहे हैं, ब्लेजी ने यहाँ पे ट्रिगर को नॉकआउट किया, किल कंफर्म हुआ, क्लाउन वाइज शिकार बनते हैं प्ले जोन के, पानसिंह ने फाइनली क्लाउनी को भी खत्म कर दिखाया, ब्लेजी ने जिगशॉ को मार गिराया। बट यहाँ पे आप देखोगे मार्कोस गेमिंग का यहाँ पे एक प्लेयर हील बैटल कर रहा है, सेम गोज विद यहाँ पे 7 सीज का प्लेयर, बट फाइनल बॉस जो हील बैटल कर रहा था वहां पे उन्होंने यहाँ पे मैक्स गश को नॉक डाउन करा, बट लाइव क्राफ्ट के विलन वो यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं, और मार्कोस गेमिंग के लिए यहाँ पे द डूड 5 फर्स्ट एड्स हैं इनके पास, विलन के पास देखते हैं कितनी फर्स्ट एड्स हैं। आप अगर देखोगे विलन के पास यहाँ पे 2 हैं, वहां पे 4 हैं, एक लास्ट फर्स्ट एड बची है विलन के पास, क्या यहाँ पे द डूड जीतेंगे कि विलन, अब अगर मिस ट्रैप हुआ तो कहीं पे दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पे विलन अब वो बैंडेजेस ही ट्राई करते रह जाएंगे, बट द डूड के पास एक और फर्स्ट एड है, बट ये वाली फाइट निकाल के जाएंगे द डूड एंड हील बैटल तीनों टीम कर रही थी, बट जीती यहाँ पे मार्कोस गेमिंग। क्या सही डिसीजन।